आज मैं आपको एक ऐसा इम्पॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं जो आप प्रॉपर्टी डिलीवर करते वक्त, जब प्रॉपर्टी आप विजिट करा रहे हैं अपने क्लाइंट को, उसको ये लाइन पिच कर सकते हैं, ये लाइन बता सकते हैं, कह सकते हैं, इस लाइन को यूज कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी इजीली ले ले, उनके डिसीजन लेने की पावर को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट ऐसा आ रहा है जिसकी एज आपसे बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 30 साल की है, 32 साल की है या 35 साल के हैं आप, और आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है जिसकी एज 45 की है, 40 की है, 50 की है, तो आप उनको एक लाइन पिच कर सकते हैं, एक लाइन यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी देते वक्त। बट ध्यान रखिएगा इस बात का, ये जो लाइन आप यूज करेंगे ये आपके दिल से आवाज आनी चाहिए। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी जिस समय सर्व कर रहे हैं उस क्लाइंट को, तो ये जो लाइन आप यूज करेंगे ये तभी यूज कीजिएगा जब आपकी जो आवाज है वो दिल से आए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेल यूज मत कीजिएगा। मतलब आपको उस प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त, विजिट कराते वक्त खुद मजा आ रहा हो और आप दिल से चाहते हो कि ये वो प्रॉपर्टी ले, उसे इस प्रॉपर्टी में ज्यादा फायदा मिलेगा या ये प्रॉपर्टी उनके लिए बेहतरीन है, तो आपको लाइन क्या यूज करनी है कि सर अगर आपके जगह मेरा अपना बड़ा भाई भी होता तो भी मैं यही प्रॉपर्टी रिकमेंड करता, या अगर वो लेडी हैं, सर मैम अगर आपके बजाय मेरी अपनी बड़ी बहन भी होती, अपनी बड़ी सिस्टर भी होती तो भी मैं यही प्रॉपर्टी रिकमेंड करता। आपको ये लाइन यूज करनी है जब भी आप अपने से सीनियर को प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, और अगर एज जो गैप है वो 8 साल, 5 साल, 10 साल का एज गैप है तो, या कोई भी सीनियर है, आपसे सीनियर है तो आप संबोधन कर सकते हैं। अगर मेरे अपने रिलेटिव भी होते, अपने रिश्तेदार भी होते, खास रिलेटिव भी होते तो भी मैं उनको यही प्रॉपर्टी रिकमेंड करता। दिस इज वॉट यू शुड यूज वाइल यू आर डिलीवरिंग अ प्रॉपर्टी टू योर क्लाइंट। आई होप दिस मैसेज, दिस वीडियो विल हेल्प यू। गॉड ब्लेस यू।